हेलो दोस्तों, सारे ने मेरी सिस्टर का अमन फटाके छोटे वाला वो थोड़ा सारा सहारा दे तो आज मैं थोड़े लिए कंप्यूटर कंप्यूटर चाहता हूं। मेरे अपने पास एमसीक्यू सेट का चल रहा है, पूरा सेट नंबर आप दे ही लेके आए हैं। जेकर तो आज मैं मेरी वीडियो बढ़िया लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिए। उस अलावा जो जो इस चैनल पर पहली बार है चैनल वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाले बैल आइकन और नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लियो ताजे तो आने वाली वीडियो भी मेरी मिलती है। तो अज की आप वीडियो शुरू करते हैं। जे जेकर तुम कोई डाउट हों तो प्लीज कमेंट के अपना जवाब दिया करो। तो अज का पहला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 441। स्टोरेज डिवाइस वेयर टाइम टू ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंस ऑफ एड्रेस वेयर इट इज स्टोर्ड इज कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस जिथे स्टोर की जानकारी मुड़ प्राप्त करने का समय उस पते तो स्वतंत्र होता है जिथे यह स्टोर की जाती है डैश कह जाता है। रैंडम एक्सेस मैमरी, सेकेंडरी मैमरी सिस्टम या नन ऑफ द अबव। अपना ऑप्शन का जवाब कमेंट के जरूर दो। देखो कोई भी तुम जो इंग्लिश पंजाबी का डेफिनेशन नहीं देगा तो डेफिनेशन भी ता दिखती जाती है ताकि तुम ईजली समझ सको जानकारी तुम वो मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देने तो अपना आंसर की होगा रैंडम एक्सेस मैमरी ऑप्शन नंबर अपना ए। नैक्सट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 442। ए मेमोरी इन ए सीपीयू दैट होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनपुट डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज डैश। सीपीयू विच एक मेमोरी जो कि प्रोग्राम हदायत इनपुट डाटा मतवर्तन फीचर प्रोसैसिंग द्वारा तैयार की आउटपुट जानकारी लगती है डैश है। सिस्टम प्राइमरी मैमरी सेकेंडरी मैमरी या नन ऑफ द अबव। ए बी सी एंड डी। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 443। टेक्निक ऑफ यूजिंग डिस्क स्पेस टू मेक प्रोग्राम बिलीव दैट द सिस्टम कंटेन्स मोर रैंडम एक्सेस मेमोरी देन इज एक्चुअली अवेलेबल इज कॉल्ड। प्रोग्रामा यकीन दिवाने डिस्क थान वर्तन की तकनीक डैश किया जाता है कि सिस्टम विच असल विच मौजूदा नालों वध रैंडम एक्सेस मैमरी है। तो ऑप्शन दसो ए रैंडम एक्सेस मैमरी, बी प्राइमरी मैमरी, सी सेकेंडरी मैमरी, डी वर्चुअल मैमरी। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 443 का वर्चुअल मैमरी। वर्चुअल मैमरी एक आम तकनीक है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में वरती जाती है। वर्चुअल मैमरी कंप्यूटर भौतिक मैमरी की कमी को पूरा करने के योग बना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की वरतों करती है। अस्थाई तौर पर रैंडम एक्सेस मैमरी तो डिस्क स्टोरेज में डाटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, जी डिस्क स्टोरेज है उसके में क्या डाटा जो है ट्रांसफर करती होती है वर्चुअल मैमरी। तो अपना आंसर जरा यह होगा वर्चुअल मैमरी का ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 444। सीपीयू परफॉर्म्स रीड राइट ऑपरेशन एट एनी पॉइंट इन द टाइम इन डैश। सीपीयू विच किसी भी समय पढ़न लिखन ऑपरेशन करता है डैश आप दसना ईप्रोम ईप्रोम रैम या रोम। ए बी सी डी।
सही जवाब दो अपना। इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ईप्रोम। ईप्रोम क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 445। ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ मीडियम वेयर द एक्सेस टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। एक स्टोरेज डिवाइस या माध्यम जिथे पहुंच का समा डेटा के स्थान पर निर्भर करता है डैश किया जाता है। पैरेलल सेस, सीरियल सेस या दोनों ही कहते हैं, ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ए बी सी जड़ी अपने का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीरियल एसेस। सीरियल एसेस राइट आंसर है, बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर एयर हाउस ऑन डैश। कंप्यूटर नु शुरू करने लिए हदायत डैश नु दित्तियां गई, हार्ड डिस्क नु, सी डी रोम नू, रीड ओनली मैमरी चिप नू, जैवर सारे नू, ऑल दी अबव। ए बी सी या डी। इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब आएगा रीड ओनली मैमरी चिप। कंप्यूटर नू शुरू करन दे दायित्व रीड ओनली मैमरी चिप्स 12 विच दित्तियां गई गैर स्थिर है, जिसका मतलब है कि यह डाटा संशोधित नहीं कर सकता क्योंकि यह केवल पढ़ने योग डाटा स्टोर कर सकती है। हदायत में रोम से लिखा जाता है और इन्होंने फर्मवेयर वजो जाने जाता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जरा सी है और राइट आंसर आ गया रीड ओनली मेमोरी चिप्स। अगला क्वेश्चन देखो, जेकर तुम मेरी वीडियो बढ़िया लगती पी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। बैल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखो 447। ई ए रोम स्टैंड फॉर। ए इलेक्ट्रिकली अल्टर रीड ओनली मेमोरी, बी इलेक्ट्रिकली एक्सेप्टेड रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। ए बी सी जड़ी। तो यह सही जवाब होगा अपना इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मैमरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447। डैश इज ए मैथड ऑफ स्टोरिंग डाटा बिट्स यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज यूज बाय डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मैमरी द्वारा वरतों विच वरते जाते बिजली चार्जा की बजाय चुंबकी चार्जा की वरतों करके डाटा बिटा स्टोर करने का एक तरीका है। वी आर ए एम, डबल्यू आर ए एम, विंडो रैम, वीडियो रैम, एम आर ए एम, जबरदस्त नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का अपना 448 का सही जवाब होगा अपना
MRAM मैग्नेटो रेसिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्गे डिवाइसों द्वारा वरते जाते बिजली चार्जर की बजाय चुंबकीय अवस्था की वरतों करके डाटा बिटा स्टोर करने का एक तरीका है। ठीक है, तो जो अपना कि आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448 डैश इज ए हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम दैट इज ए ड्यूल कोर। डैश एक उच्च प्रदर्शन वाली वीडियो रैम है जो कि दोहरी पोर्ट दी गई है, वीरैम, डबल रैम या एम रैम। तो सही है अपना की डब्ल्यू रैम, विंडो रैम, विंडो रैम है जी अपनी वीडियो उच्च प्रदर्शन लिए दोहरी पोर्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 450 आ गया। डैश इज ए रैम दैट कंबाइंस द फास्ट रीड एंड राइट एक्सेसिबल डायनेमिक। डैश रैम है जो कि डायनेमिक रैम की तेजी नाल पढ़न लिखन पहुँच का सुमेल करती है, वी रैम, डबल्यू रैम, एम रैम या एफ रैम। अगला अपना हूँ एफ रैम, फेरोइलेक्ट्रिक रैम। फेरोइलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक संकेत रूप है जो कि डायनेमिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम की तेजी नाल पढ़ी जाने वाली है लिखण की पहुँच में गैर स्थिर पावर बंद होने से डाटा बरकरार रखने की योग्यता है, अल्ट्रा घट पावर खपत ईईप्रोम। ठीक है, फ्लैश की तुलना विच दे नाल जोड़दा है। ओके, तो अपना आंसर की आएगा इसका राइट एफ रैम। ठीक है, उस तो बाद अपना अगला जो अपना आ गया हूँ नैक्सट क्वेश्चन 451। डैश इज ए फॉर्म ऑफ द नॉन वोल्टाइल स्टोरेज दैट ऑपरेट बाय द चेंजिंग एंड रेजिस्टेंस ऑफ स्पेशली फॉर्मुलेटेड सॉलिड इलेक्ट्रिक मटीरियल। डैश इज ए गैर स्थिर स्टोरेज का एक रूप है जो एक विशेष तौर पर तैयार किए ठोस इलेक्ट्रिक पदार्थ की प्रतिरोधता बदल के रखता है, काम करता है, वी रैम, डबल्यू रैम, एम रैम या आर रैम। इन्होंने सैटा के कंप्लीट होने तो बाद मिक्स जो टेस्ट पाया जाएगा, मिक्स सैटा का एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी जिस पंजाब जीके दे पंजाब की हिस्टरी दे कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन करंट अफेयर ये सारे बिच आएंगे, तो जो तैयारी थोड़ी होर वधिया हो सकती। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर की होगा आर रैम, सिस्ट रैम। आर रैम जिसमें कि री रैम प्रतिरोधक बेहतर की पहुँच मैमरी वजों भी जाने जाता, गैर स्थिर स्टोरेज का एक रूप है जो एक विशेष तौर पर तैयार किए ठोस डायलैक्ट्रिक पदार्थ के प्रतिरोध को बदल के काम करता है। ओके, तो राइट आंसर अपना की होगा आर रैम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 452, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट सिस्टम। इन्होंने कि पहुंच समा सब तो घट होता है,
कैच मैमरी, मैग्नेटिक बबल मैमरी, मैग्नेटिक कोर मैमरी या नानो डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 452 है, आंसर अपना कमेंट दे विच जरूर दिया करो। राइट आंसर देखो अपना कैच मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी फॉर एवरी डे। हेठ दिए हुए विच केड़ी हरेक डे के लिए लाजमी है, रूट, सब, बेयर या नॉन ऑफ दी। राइट आंसर अपना होगा रूट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ द स्टोरेज। अगे दिते विचों केड़ा स्टोरेज का सब तो छोटा मापा, ए केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, बीबी, टेराबाइट, जावर बाइट। तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर सारे नूं पता होगा, ऑप्शन नंबर अपना होगा डी। दिए गए विकल्पों में बाइट स्टोरेज का सब तो छोटा माप है, बिट डाटा स्टोरेज का सब तो छोटा बुनियादी आकार होंगे, उस तो बाद की आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर टेराबाइट, गीगाबाइट भी आता है, ठीक है, तो अपना डी आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो 455 आ रहा थोड़े स्क्रीन पर, किलो बाइट्स इक्वल टू द हाउ मैनी बाइट्स, 61, 64, 124 या नानो दे बराबर। एक किलो बाइट दे विच किन्ने बिट्स होते हैं, तो यह आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1024। अगला क्वेश्चन देखो 456, डैश इज ए जेनरिक टर्म्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डैश कंप्यूटर डाटा के दायित्व के संगठित संग्रह लिए एक आम शब्द है, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नानो दी वर्ड। तो अपना यदा सही जवाब की होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डाटा के हिदायतों के संगठित संग्रह लिए एक आम शब्द है, जिसन अक्सर दो मुख्य श्रेणियों में वंडिया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मुढ़ले गैर कार्य विशेष फंक्शन प्रदान करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उपभोक्तावान द्वारा खास कार्यों को पूरा करने लिए वरत्या जाता है। तो सही आंसर अपना की हो गया ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457, सॉफ्टवेयर रेफर टू डैश फॉर्म फिजिकली कंपोनेंट्स दैट ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ, या फिर सी प्रोग्राम या नॉन ऑफ दी अबव।
ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣਾ? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट तो इस क्वेश्चन का 457 का सही जवाब होगा अपना प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अटैच हो प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 458, सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगरीज एज डैश फर्मवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो कि जोड़ा की है अटैचेबल है कैटेगरी है हिस्सा है ए नाल बी नाल सी नाल या डी नाल। जेकर तुहानू हुण तक दी वीडियो वधिया लगी है तां प्लीज चैनल सबसक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भुल्यो। वध तों वध शेयर करो ते चैनल सबसक्राइब करो। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। नेक्स्ट हूँ अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। इस किस्म का सॉफ्टवेयर ज्यादातर तकनीकी वेरविया संभालने लिए अंतिम उपभोक्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर नाल काम करता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेट का। तो सही आंसर अपना की होगा इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी अपना जो राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 466। डैश प्रोग्राम परफॉर्म्स डे टू डे टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डैश प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम की सांभ संभाल संबंधित दिन प्रतिदिन के काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊ ਸਿਸਟਮ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਿਸਟਮ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਪਣਾ 23 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।